जी मैम, ये एक्यूट माइलॉइड लुकेमिया में केस है, ये ठीक होने से पहले का है, इसको किसी भी सीनियर जो नॉर्मल कंडीशन था, और ये ड्यूरिंग मौत तक की है जब हमारे पास आया बच्चा, और हमारे ठीक हो मतलब ट्रीटमेंट के बाद इसके फिलहाल ये कंडीशन है जो अभी आपके सामने है। ये इसका रजिस्टर है, नाम उस पर लिखा हुआ है, सारी आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, सारी सारी उसको जितनी भी इसकी ट्रांसफ्यूजन सुनी है, प्लस इसकी जितने हिम्मत करती हुई है, गुगन जी किस तरह बता रहे हैं, सारा इसका रिकॉर्ड है। ये कीमत कब स्टार्ट होगी, रेट वाइज उसकी कीमत करती है, ये उसमें जो जो उन्होंने तो फर्की मेडिसिन देते थे दो दिन कीमत करते तो क्या टाइम है, बाकी ये कंप्लीट एक जो मैंने आपको बताया, कितनी दफ़ा आपको लगे थे? चार दफ़ा। एक एक दफ़ा में कितने इंजेक्शन थे? 22, 26, 24। लेकिन अभी इनकी हिस्ट्री के लिए अपनी फैमिली बताएंगे कि उनके साथ हम क्या हुआ, ये सारा रिकॉर्ड है मैडम जो सब लगे हैं जी, मतलब एक पैटर्न है ना आपका कि आपको पता पैटर्न के बगैर तो कोई काम, एक इंजेक्शन एक टेबलेट भी नहीं देते, और ख़ासतौर पर इन बच्चों में कहीं भी खुदा नखास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो सारा उसको रिकॉर्ड है जी, सारी उसकी फाइंडिंग से हैं जो आपके शौकत कानून से सारे यहाँ पर आप ये देखिए कितने परसेंट इसके पास से 90% इसके पास है। क्या था और हॉस्पिटल में आपके सब क्या हुआ? मतलब ये अपने से चिल्ला पहले तो मैंने इसके बाद इन्होंने मैंने 18 की दूसरे में कि 22 तारीख को ना वो काम करा हुआ, और इस तरह से पता चला था कि डॉक्टर शाजी हैं वो ना इलाज कर रहे थे, जब उन्होंने दोबारा इलाज किया था ना तो उनका एक साथ होता है कि बोर्ड मेरे को दे जाते हैं, चार रिपोर्टें इसके अंदर करना है, मुझे कहना पड़ा रहे पता नहीं कितनी है, उन्होंने कभी रिपोर्ट की थी, जब चौथी की थी उसमें 10% रह गई थी, 10% के बाद पिछली ईयर ना उस वक्त बोलना की रिपोर्ट आई है ना उस वक्त बिल्कुल ठीक था, उन्होंने आपके बच्चे की ना रिपोर्ट ठीक नहीं है तो हम इसका इलाज नहीं करेंगे, इसका इलाज है ही नहीं, आप इसे डर ले जाओ, बाकी आपकी किस्मत है ये कितने दिन आपके पास रहता है, आप जा रहे तो ढूंढ करते हैं इस तरह ये बातें करने लगे, उस वक्त चल रहा था, बाद में इसके ना पता नहीं क्या मसला बनाया, इसके ना वजूद जो पूरा है ना हाथ पैर ये बहुत मोटे मोटे ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने जब उन्हें बोलता ना जिसे आप कोई मेडिसिन दे वो यही बात करते थे जी ये वो बात कि उसमें बच्चा है जिसका ना इलाज नहीं हो सकता, मैंने वो रहा हुआ तकरीबन आके डॉक्टर आया, मैंने उससे बोला मैंने कहा यार आप ऐसा करिए इसे ना ऐसे में शिफ्ट करके ना इसे देख तो नहीं मसला क्या है, मैंने उसे रजिस्टर नहीं दिखाया, उसने रजिस्टर नहीं देखा ना रिपोर्ट दिखाई है, उसने ना इसको ऐसे में शिफ्ट किया और उसको उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर बड़ी है वो आ गया उन्हें वो आ गया, उसने देखते उस डॉक्टर को ना इस तरह से वो तभी अंदाज में बोल रहे जाने डालना चाहिए कि इस ऐसे में तो लेके आया किसने बोला इसे देखे यार, वो कभी मेरी तरफ देख रहा है कभी शर्मिंदा है, सारे इंसान भी जाता है जब सीनियर से सामने, बाद में वो खड़े हो गए ने कहा इसे आपके बच्चे का इलाज नहीं हो सकता आप इसे घर ले जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैंने उसने कहा मैं जी ठीक है नहीं ठीक हो सकता कोई बात नहीं, अब इतनी तकलीफ में है कम से कम तो थोड़ी बहुत तो मेडिसिन तो कम से कम दें इसे सुकून तो गार के आते इसको ऐसे रख दो और परेशान हो जाओ, वो दो दिन के बाद तीन दिन गुजर गए उसके बाद चांद रहा था जिन्होंने कहा आप बच्चे को ले जाएँ आपके लिए बेहतर है आप यहाँ पे जलील होंगे, मैंने उनसे पहले कि जलील की बात आप कर रहे हैं मैं तो पिछले 4 माह जो आपके पास बैठा होता हूँ जलील ही हो रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वो उन्होंने कि आप नहीं लेके जाएंगे नहीं मैं जी आप उसे मेडिसिन दें बाकी मेरे किस्म, उसने वो पेंसिल भरी और जितनी मेडिसिन थी ना वो सब जो डॉक्टर ने लिखी थी सब काट दी काट कर चले गई, साथ ही का टाइम में मैंने वो नर्स से पूछा मैंने कि आप मेरे बच्चे को मेडिसिन क्यों नहीं ला रहे, मुझे फैल दिखाई ना चाहिए कि आपकी ना मेडिसिन काट दी गई है, जब तक डॉक्टर हमें दिक्कत नहीं देगा हम आपके बच्चों को एक्सरे भी नहीं लगाएंगे, तो बेहतर यही है भाई कि आप इसे देखें,
कि उस वक्त मैं इसे जब लेके आया तो उनके बाद 15-20 दिन रहा, अल्लाह का शुक्र है ये थोड़ा बेहतर हुआ। उसके बाद फिर मेरा जो दोस्त है डॉक्टर रूप है, आप सब जानते हैं, वो इनसे जानता, वो मेरे साथ आए थे, उनके बाद इनके पास लेके आए। जब इनके पास आए मेरे तकरीबन समय एक साल ही हुआ, उसके बाद एक महीने के बाद मजीद दूसरा तीसरा चौथे माह के बाद अल्लाह का शुक्र है जी ना कोई डर लगा ना भी कोई मुश्किल मसला बना है, खेलता है सब कुछ ठीक रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, उसके बाद बिल्कुल ना। ये जिस तरह लफ्ज उसका रहे बाप के लिए लफ्ज बहुत बड़ा होता है, क्या बदकिस्मत बच्चा है, वो कहते थे कि हम पूरे लाहौर का भी ब्लड इसको लगा दें तो ये इसमें कुछ नहीं हो सकता। सो उन्होंने कहा कि जी आप इसकी कुछ रिपोर्ट्स इसमें नहीं है, मुझे लैपटॉप दे दें। डॉक्टर शाजिया ने खुद जब 30 से 3 दिन पहले बोला था ना, उसने मुझे खुद बोला था, कहेगा आपके यहाँ अमरीत कोई हॉस्पिटल है, मैं कहा मेरे तहसील हेडक्वार्टर, लेकिन वो प्लेटलेट्स नहीं बनाते, वो कहते हैं फिर तो आप घर ले जाए, हम कुछ नहीं कर सकते कि आप ब्लड लगवा लें, ये हफ्ता या 10 दिन या 20 दिन, ये उनकी बात है। ये मैडम है एक्यूट माइलॉइड ट्यूमर, अच्छा खासे साइज का था, इसकी वजह से इसकी ये रिपोर्ट है, इसमें इसको पढ़िएगा, इसमें उन्होंने ट्यूमर का बताया है कि इसके जो लेफ्ट आई के बैक पे ट्यूमर है और उसका साइज देखिएगा वो कितना बड़ा है, उसकी वजह से उन्होंने तो बाइलेटरली कहा मोर ऑन द राइट जी, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि इसके बोथ आईज जो विजन है इसकी डेड हो चुकी है, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, सो उन्होंने कहा कि आप लोग जा सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है जी, बिल्कुल देखता है, लेकिन किसी के कहने से, मैं अब इस स्टेज पे हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया कोई भी बात हतमी नहीं है। इसको उन्होंने कहा कि ये 2-3 दिन का मेहमान है, आप इसको ले जाए कि मैडम इसकी कीमोथेरेपी की है, सारी जो डाटा है मैं इस पर प्रेजेंट करता हूँ डॉक्टर्स के सामने, ये इसकी कुछ ये है और ये और रिपोर्ट भी शौकत खानम की है, रिपोर्ट ये नहीं है कि कहीं कोई आम लैब की हो, इसमें आप इसकी एच पी भी देख सकते हैं, 13.1 है, डब्ल्यू बी सी इसकी कितनी है 10 point something है, आर पी सी इसके 4.72 है, एच बी इसकी 13.1 है, प्लेटलेट्स भी इसके 350 है, बाकी हीमेटोक्रेट और ये देख लें आपके सारे नॉर्मल है, और वो बच्चा इस वक्त नथिंग इज देयर, अगर अब नॉर्मल सेल होते उसकी ब्लीडिंग होती, उसको फीवर होता, उसकी पायरेक्स कंडीशन होती, और ये माशाल्लाह भागता दौड़ता, ये टीवी देखता है होम्योपैथिक में बड़ा पोटेंशियल है, पर हम उसको टैप नहीं कर रहे हैं। मैडम अब आपके क्योंकि हाथों में है ये का ये फंक्शन था कि आपके साथ भी फंक्शन बनते जहर, आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे कमिंसा जी भी अंदर है, आपकी आवाज़ या मास्टर भी है, तो उसको जहर जितने बेहतर तरीके से आप, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं लिखना 50 आर्टिकल लिख लूँगा, शायद कुछ चार कहीं पहुँचेंगे फिर ये इस तरह से हम बुक में बेशुमार उस पर हम सी आर एम के प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसर जो भी होना है वो आपके जरिए उस वजह से ये था कि मतलब उसको जितना किया जाए। उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मुझे 6 से आगे कभी नहीं गया एच पी एस की, और इसके प्लेटलेट्स 10.20 से आगे कभी नहीं गए, और हमारे पास इसको सिर्फ 8 माह
کہ صرف طور پر یقین کو مانتا ہوں کہ ابھی اس کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں بیٹا ادھر آ جاؤ